खाकी वर्दी, ये प्रतीक है रक्षा की, इस देश के कानून पर विश्वास की। ये काला कोट, ये भी प्रतीक है उसी विश्वास का, उसी रक्षा का। ये दोनों कानून के दो हाथ हैं। खाकी वर्दी अपराधी को पकड़ती है, काला कोट अपराधी को सजा दिलवाता है, मगर अपराध कम नहीं होते। क्यों? क्योंकि अक्सर न्याय के नाम पर यह काला कोट झूठे सच्चे सबूत और गवाहों की मदद से कानूनी नुक्तों के दांव पेच खेलकर अपराधी को बचा लेता है और अपराधी को फिर से अपराध करने की शय मिल जाती है। काले कोट की इस शय से पनपकर अपराध का छोटा सा पौधा एक दिन बहुत बड़ा और मजबूत पेड़ बन जाता है। ऐसा कब तक होगा? कब तक कानून ताकतवर होते हुए भी लाचार और बेबस बना रहेगा? अपराध तभी रुक सकता है जब कानून के ये दोनों हाथ अपना कर्तव्य सच्चाई से करें। अपराध तभी रुक सकता है जब ये दोनों एक दूसरे से हाथ मिला लें। अपराध तभी रुक सकता है जब ये काला कोट बन जाए खाकी वर्दी की ढाल। बहादुर लॉकअप तोड़ के भाग गए। सिंह और बहादुर कहाँ है? मीनार मंजिल। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, वरना बेमौत मारे जाओगे। मैं 3 तक गिनती गिनूंगा। 1 ऊपर भेजने से कोई फायदा नहीं। जितना भेजना है उतना भेज। दरवाजा एक है, जो पहले आएगा वही मारा जाएगा। पुलिस वालों पर गोली चलाई तुमने, वर्दी वालों को मारा। बोल, तुझे लॉकअप से बाहर किसने निकाला? बोल, किसके इशारे पे भागे तुम? बोल बोल। कुछ भी नहीं बोलूंगा, कुछ भी नहीं बताऊंगा। वरुण, स्टॉप इट, स्टॉप इट वरुण, मर जाएगा ये, तुम मार डालेगा इसे। बता दो। नहीं बता नहीं। बोल बोल। सर, इन दोनों की जमानत लेकर वकील साहब आए। जमानत हो गई इतनी जल्दी? Who the hell got it done? इस शहर में एक ही तो वकील है जो सोते हुए जज का भी अंगूठा खींचकर पेपर पर साइन करवा सकता है। इंस्पेक्टर वरुण सक्सेना, मेरे दो क्लाइंट्स तुम्हारी हिरासत में हैं। ये उनकी जमानत के कागजात हैं। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। वो लोग कातिल हैं और मैंने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा है। पुलिस अपना काम करती है, अदालत अपना। ये ऑर्डर्स अदालत से आए हैं, साइन बाय जज। मैं इन ऑर्डर्स को नहीं मानता। I'll get these bloody orders cancelled. I'll get them cancelled. मुझे पता था कि तुम ऐसा ही करोगे। फोन उठाओ और सच्चाई अपने कानों से सुन लो। Damn you! हेलो। पेपर्स मिल गए? यस सर। तो फिर? यस सर मिल गए हैं, लेकिन क्या? सर मुझे रिमांड चाहिए। मैं उस पूरे गैंग को पकड़ना चाहता हूँ। अदालत का हुक्म मानना हमारा फर्ज है वरुण। सर ये कैसा फर्ज है जो हमें अपना फर्ज नहीं पूरा करने देता? तुम दीवान को जानते हो ना? जानता हूँ सर, मैं जानता हूँ उसे। कानून क्या इन काले कोट वाले की जायदाद है? क्या हम कानून के हाथ नहीं है? I strongly protest, sir. Just do as I asked you to do. Yes, sir. नहीं वरुण, वरुण ये समझता क्या आपने आपको? मैं सिर्फ समझता ही नहीं, जानता भी हूं अपने आप को। पायलट बाबा, जिंदा आदमी को दफनाना पाप होता है, ये ठीक नहीं। चलो अब इसे दफना दो। दफना दो। हमारे टेक ऑफ में रुकावट पैदा करने वालों का यही हशर होता है, क्योंकि पायलट बाबा की फ्लाइट में कभी ब्रेक नहीं लगती। साहब मैंने उसे बहुत समझाया, बहुत समझाया उसे साहब, बहुत बोला कि तू अपनी जबान मत खोलना नहीं तो पायलट बाबा नाराज हो जाएगा, लेकिन साहब वो नहीं माना, नहीं माना साहब, नहीं माना। और तुम? मैं कुछ नहीं बोला साहब, मैं गद्दार नहीं हूँ। देख, उसने गद्दारी की, इसीलिए पायलट बाबा ने उसकी जिंदगी का इंजन स्विच ऑफ कर डाला। तू डर मत, तू तो अपना आदमी है ना, वफादार है, इसीलिए तू इनाम का भी हकदार है। और तेरा इनाम है मौत। मौत? लेकिन मेरी गलती क्या है? मैं तो आपका वफादार नौकर हूं। इसीलिए आसान मौत इसलिए कि तुमने हमारे साथ वफादारी की और पुलिस के सामने जुबान तक नहीं खोली, मगर मौत इसलिए कि तुम पुलिस के हाथों पकड़े गए। जाने दो उसे, जाने दो। लाइसेंस दिखाइए। लाइसेंस दिखाइए। लाइसेंस नहीं है मेरे पास। गाड़ी के पेपर तो होंगे, दिखाइए। देखिए मिस्टर, आप खामखा मुझे तंग कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि मैं चोरी की गाड़ी में घूमती हूँ? टैक्स वक्त पे ना भरना चोरी ही कहलाता है। आपने साल का टैक्स नहीं भरा। ये कैसे हो सकता है? लाइसेंस आपके पास है नहीं, टैक्स आपने भरा नहीं है। देखिए, परसों ही तो डेट एक्सपायर हुई है और कल संडे था। और परसों आप बिजी थी क्योंकि आपने किसी को डेट दे रखी थी, यही ना? इंस्पेक्टर, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। अच्छा, कमाल है। मुझे तो आप ऊपर से नीचे तक हर एंगल से कुंवारी नजर आती। व्हाट? शर्म नहीं आती आपको ऐसी बातें करते हुए? ओह या, सॉरी, मुझे आपसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। निकालिए 370 रुपए। इतने पैसे इस वक्त मेरे पास नहीं है। पैसे नहीं है तो घर जाइए, पैसे लाइए, पुलिस स्टेशन आइए और अपनी गाड़ी ले जाइए। तो, लेकिन मैं घर कैसे जाऊँ? टैक्सी? नहीं, ऑटो सस्ती है और वेरी कम्फर्टेबल। लेकिन ऑटो के लिए भी पैसे नहीं है। ओह, आई सी। आप बैठी, देता हूँ पैसे। ये लीजिए 20 रुपए, बात होंगे। और आइंदा अपने पास कुछ पैसे रखा कीजिए, अपने लिए नहीं तो अपने घरवाले की इज्जत के लिए। चल ले जा। पता नहीं इंस्पेक्टर अपने आप को क्या समझता है। इज्जत तो मैं उतारूंगी तुम्हारी। न जाने आजकल के इंस्पेक्टर अपने आप को क्या समझने लगे हैं, जैसे सारी दुनिया में इन्हीं का राज चल रहा हो। ऐसा मजा चखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेंगे। मम्मी, आप किसकी बात कर रहे हैं? डैडी आएंगे ना तो मेरे डैडी सब ठीक कर देंगे। अरे वो क्या ठीक करेंगे, ठीक तो मैं करूंगी। चल तू अपना दूध पी। मम्मी बहुत गर्म है। क्या कहा? नहीं मम्मी, दूध गर्म है। पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। मैं देखती हूँ। अरे रुक जा। पापा आ गए। रुक, दरवाजा मैं खोलती हूँ। तुम? हाँ। कहाँ घुसे आ रहे हो? कौन हो तुम? बेगम साहिबा, मैं इस घर का मालिक हूँ और आपका पति हूँ। पति? लाइसेंस है आपके पास? लाइसेंस? ओह, लाइसेंस देखना चाहती हूँ? अंदर आके दिखाता हूँ ना। खबरदार, जो मेरी इजाजत के बिना घर के अंदर कदम रखा तो मैं इजाजत ले लेता हूँ। मुझे अंदर ले लीजिए ना। क्या समझ रखा है मुझे? डेट ली थी मुझसे। डेट? नहीं, डेट तो नहीं ली थी। कमान यार, तुम मेरी बीवी हो। आप और शादीशुदा, लेकिन आप तो ऊपर से नीचे तक कुंवारे लगते हो। मैं कहाँ कुंवारा लगता हूँ? प्लीज मुझे अंदर आने दो। अरे मान भी जाओ, दरवाजा खोल दो प्लीज। नहीं खोलूंगी। देखो सोच लो, वरना मैं हल्ला कर दूंगा, शोर मचा दूंगा, पूरी बिल्डिंग को नीचे बुला लूंगा। सोच लिया? तुमने सोच लिया? जितना शोर मचाना है मचाओ, आज दरवाजा नहीं खुलेगा। ओफो मम्मी, डैडी क्या रात भर बारिश होएंगे? चुप। ओके। अरे ओ कांता मासी, ओ कांता मासी, ओ शर्मा जी, ओ वर्मा जी, अरे नीचे आओ, नीचे आओ। मेरी बीवी को कुछ हो गया है, वो पागल हो गई है, मुझे घर के अंदर नहीं घुसने दे रही। अरे नीचे आओ, जल्दी आओ, अरे जल्दी आओ, अरे कुछ करो। चुप रहो। खोलोगी ना? नहीं खोलती। अरे अरे कुछ करो, अरे जल्दी आओ, डॉक्टर को बुलाओ। अरे मेरी बीवी पागल हो गई है। खोलती हूँ बाबा। थैंक यू अरे अरे सुनो सुनो, अरे तुम थोड़ा सा मजाक नहीं सह सकती? रियली यू हैव नो सेंस ऑफ ह्यूमर। नहीं, यू हैव टेरिफिक सेंस ऑफ ह्यूमर। देखो तुमने मेरा कितना उल्लू बनाया। एक बात बताऊं, तुम अभी तक सर से पैर तक कुंवारी लगती हो। सच कहूं? तुम भी कुंवारे लगते हो। रियली? तुम लोगों को कुछ काम धंधा है कि नहीं? दूसरों के घर में जाके देखते हो। जाओ अपने घर में जाओ और देखो उधर क्या हो रहा है। I'm up to my head with these guys. कोई आगे है, कोई पीछे है, कोई छत के ऊपर है तो कोई नीचे है। Now what are they up to and what am I supposed to do? Every boy, every guy, fully holla holla. Every boy, every guy, fully start chatter. Every boy, every guy, fully dilly dilly. Bully, each and every color. Dilly, ma kabina. Dilly, ma kabina. Dilly, ma kabina. Dilly, ma kabina. लड़कों की आदत है बुरी, लड़कों की आदत है बुरी. जब भी कोई लड़की देखे तबीयत होवे हरी. हाय हाय हाय, गलती से वो मुस्कुराए, मुस्कुरा कर नैन चुराए, नैन चुरा कर वो शर्माए, समझो वो मरी. लड़कों को लड़की मिलती रहे, दुनिया यूं ही चलती रहे. लड़कों को लड़की मिलती रहे, दुनिया यूं ही चलती रहे. दिल माँ का दीना. दिल माँ का दीना. लड़कों की आदत है बुरी, लड़कों की आदत है बुरी. जब भी कोई लड़की देखे तबीयत होवे हरी. हाय हाय हाय, गलती से वो मुस्कुराए, मुस्कुरा कर नैन चुराए, नैन चुरा कर वो शर्माए, समझो वो मरी. लड़कों को लड़की मिलती रहे, दुनिया यूं ही चलती रहे. लड़कों को लड़की मिलती रहे, दुनिया यूं ही चलती रहे. दिल माँ का दीना, दिल माँ का दीना, दिल माँ का दीना, दिल माँ का दीना. Now what are we to do? अरे ऊपर वाला लड़की बनाया, नीचे वाला मर गया. उनकी आंखों का नशा हम लड़कों पर चढ़ गया. लवली आईज, लवली स्माइल, लवली लुक्स, लवली स्टाइल. अरे यार, अपू तो लड़की के पीछे पीछे पड़ेगा. मरना है कोई बात नहीं, मरेगा. लड़कों की आदत है बुरी, है बुरी. जब भी कोई लड़की देखे तबीयत होवे हरी. हाय हाय हाय, गलती से वो मुस्कुराए, मुस्कुरा कर नैन चुराए, नैन चुरा कर वो शर्माए, समझो वो मरी. लड़कों को लड़की मिलती रहे, दुनिया यूं ही चलती रहे. लड़कों को लड़की मिलती रहे, दुनिया यूं ही चलती रहे. दिल माँ का दीना, दिल माँ का दीना, दिल माँ का दीना, दिल माँ का दीना। Very tasty. You want? हमारे होटल का खाना बहुत मशहूर, बहुत अच्छा, बड़ा लजीज। आप इसकी बेइज्जती क्यों कर रहे हैं? आप सिर्फ अंदर का खा रहे हैं, बाहर का बाहर रख रहे हैं, ऐसा क्यों? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए डॉक्टर ने कहा बाहर का खाना खाना नहीं, इसलिए मैं अंदर का खाना खा रहा हूँ। यहाँ लड़कियाँ कहाँ मिलती है? बाहर बाहर बाहर। लेकिन डॉक्टर ने बाहर की लड़कियों के लिए मना नहीं किया था। इंटेलिजेंट। हम आपके पास शिकायत करने आए हैं। शिकायत? वो आपका सैमसन है ना? सैमसन? कौन सैमसन? अच्छा अच्छा अच्छा, अपना सूरज। हाँ हाँ, वही वही। बहुत बड़ा लोफर है, लोफर। लड़कियों पे रिमार्क्स कसता है, सीटियाँ बजाता है। हमारा तो कॉलेज में आना जाना मुश्किल कर दिया है उसने। अच्छा, तो आप कॉलेज में पढ़ती हैं? जी हाँ। नाइस ड्रेस। थैंक यू। और स्कर्ट अगर जरा थोड़ा और ऊपर होता तो ज्यादा स्मार्ट नहीं लगता? जी हाँ, मुझे तो यहाँ तक चाहिए था। और कट देखा आपने? कट? कौन सा कट? ओह। अगर 2 इंच और नीचे होता तो आप बैठे बैठे सब कुछ देख लेते। राइट। ऐसे बेहुदा कपड़े पहनोगी तो लड़के देखकर सीटियां नहीं बजाएंगे तो क्या मंदिर में जाकर घंटियां बजाएंगे? राइट। जी जी हाँ। आप कंप्लेन करने से पहले अपना हुलिया तो बदल लीजिए। जाइए, उठिए आप दोनों। पर आप हमारी ये ठीक कह रही है, आप प्लीज जाइए यहाँ से और इनकी बात पर जरा गौर कीजिए। अरे कमाल कर दिया तुमने। मैं तो ये केस हैंडल नहीं कर सकता था, मगर ये सूरज कैसे चलता रहा ना तो जरूर कोई तकलीफ में आ जाएगा। शादी करवा दीजिए उसकी। शादी? गुड आइडिया। तुम्हें उसके लिए कोई लड़की ढूंढो ना। हाँ? अपनी जैसी गोल मटोल, खूबसूरत, ब्यूटीफुल। पतला आराम खिलाओ भैया। देखा था सामने। उजो उजो। यहाँ सूरज कौन है? मैं हूँ। बोलिए बोलिए बोलिए। मेरी गाड़ी धक्के खा रही है। अच्छा अच्छा, आइए मैं देख लेता हूँ। क्या इंजन है। आइए आइए, बताइए बताइए काम क्या है? अच्छा, तो आप क्या बता रहे? अच्छा, वो देखिए मियां स्पार्क प्लग निकले हुए हैं। हाँ। देखिए इसे यहाँ नहीं नहीं नहीं, आप ही को सिखा देता हूँ। इसे यहाँ लगा दीजिए। आइए आइए पास आइए। दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? हाँ सही है। इसे यहाँ लगा दीजिए। धक्का बंद एकदम। ये गाड़ी है ना? हाँ? स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम देती है। स्टार्टिंग प्रॉब्लम? हाँ। नो प्रॉब्लम। है ये चक्कर हमको रोकना पड़ेगा। क्वेश्चन, लाइसेंस सुदर्शन चक्कर चलाएंगे कि इनकी नानी याद आ जाएगी। आओ। अंजलि दीदी, मैं मुन्ना बोल रहा हूँ। दीदी, आपकी जिंदगी खतरे में है। अंजलि दीदी, यहाँ आके देखो, गैरेज में सूरज भैया क्या गुल खिला रहे हैं। हाँ हाँ, आपका किशन कन्हैया यहाँ गोपी लोगों के साथ में रास रचा रहा है जी। वो लड़कियों के साथ काफी नाचो, काट दिया। छोड़ दिल न मेरा तोड़, मौसम है जवां, चल तू कहाँ, मर जाएंगे जाने जाना, होना हमसे मोड़। सब छोड़ दिल न मेरा तोड़। मुझसे रहेगी रूठी, झूठ मूठ का तो रूठी है, सच कहता हूँ तू झूठी है। देख समा है बड़ा नशीला, उस पर तेरा पेच है ढीला, मान लिया तू बड़ी हंसी है, प्यार में गुस्सा ठीक नहीं है। पाँव बड़े नाजुक है तेरे, ना इतना तू दौड़, सब सजोड़ दिल न मेरा तोड़। गोला आँखों वाली, नाक पे गुस्सा होंठ पे गाली, तेरे टमाटर जैसे गाल है, गाल ये कितने लाल लाल है, कर लिया तूने नखरा काफी, सिधला कर अब दे दे माफी, और मान भी जाओ दिल भर मेरे, हाथ दिए अब जोड़, सब सच छोड़, दिल न मेरा तोड़। जाना छुट्टा नहीं है। ए मिस्टर जाना छुट्टा नहीं है। ए मिस्टर अबे ये गाड़ी इस तरह चलाई जाती है? चलो बाहर आओ, बाहर आओ। तुम नहीं, तुम वहीं बैठो। शर्म नहीं आती तुझे? कल कोई और आज कोई और, इस किस्म की आवार कर दी तेरे लिए एक दिन बहुत भारी पड़ेगी। अबे ये वो भारी वाली नहीं है, परमानेंट है, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। क्या मतलब? ओह, गुड चॉइस यार। भाभी को बताया? अब तो बताना ही पड़ेगा। अच्छा सुन, 1000 रुपया है क्या? 1000 रुपए? 100-200 रुपए होंगे। अबे वर्दी में भी कड़की क्या? अरे ये ले, और आइंदा गाड़ी ठीक चलाना। हाँ नहीं तो तुम दोनों को अरेस्ट कर लूंगा। अच्छा साहब, कमाल है, तुमने पैसे लिए और वो भी इंस्पेक्टर से। स्टाइल है स्टाइल। डैडी पहचानो मैं कौन हूँ? टोडू बेटा तू कौन है? इडियट। डैडी कॉन्ग्रेचुलेशन। क्यों क्या हुआ? मेरी भविष्यवाणी कल आकाशवाणी में बदलने वाली है, कहती है आप दादा बनने वाले हैं। अबे बेवकूफ, मालूम है दादा क्या होता है? हाँ, बाप का बाप। तो मुझे दादा बनने से पहले तुझे बाप बनना पड़ेगा। हाँ? और उसके लिए पहले तुझे शादी करनी पड़ेगी। हाँ, मैं हिसाब में इतना कमजोर नहीं हूँ, मैं शादी करने वाला हूँ। हाँ? किससे? लड़की से। कौन है वो? कोमल। कोमल अंदर आ जा। कोमो कम इन। कोमो डैडी, ये आपकी बहू है। इसकी बहू? आपकी, मेरी बीवी। शर्माती है। कोमो पाउचू चल। अभी आता। इसके खानदान का कुछ पता है क्या? डैडी आप भी कमाल करते हैं, तवायब का कोई खानदान होता है क्या? डोडू मारते क्यों? रात को मुजरा करेगी ना। यू नहीं, गेट आउट। जाता हूँ, जाता हूँ, चल भाग यार, भाग। ये मेरे अंकल है, ये आपकी बहू, नमस्कार कर। डोडू यू गेट आउट। कोटा छोड़ के आता हूँ, रात को आता हूँ मुजरा देखने। बाबा हेड ऑफिस से खबर आई है, माल कल सुबह अनलोड होगा। ठीक है, तुम खुद वहाँ जाना। ठीक है बाबा। और सब काम होशियारी से करना। ठीक है बाबा। जाओ। साहब, अपने आप को मेरे हवाले कर दो। तुम अकेले हम सबको गिरफ्तार करोगे? यस। देवधर, 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 ये तूने क्या किया देवधर? मुझे बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। वरुण, वरुण, मैं तो वैसे भी एक खोखला जीवन जी रहा था, सिर्फ सांस ही ले रहा था। जीवन का कोई मकसद नहीं था मेरे पास, कोई मकसद नहीं था। ये तो क्या कह रहा है देवधर, ये तो क्या कह रहा है? दोस्त ठीक ही तो कह रहा हूँ। वरुण, वरुण तेरी पत्नी। कुछ नहीं होगा भाभी को, कुछ नहीं होगा, मैं ख्याल रखूंगा उसका, तू फिक्र मत कर। नहीं नहीं वरुण नहीं, मेरी पत्नी, मेरी पत्नी तेरी पत्नी बेवा नहीं होगी भाभी, बेवा नहीं होगी देवधर। देवधर तुझे कुछ नहीं होगा देवधर, देवधर, देवधर। देवधर की मौत मौत नहीं, एक शहादत है। वो अपने फर्ज के लिए कुर्बान हुआ है। मेरी जान बचाते हुए उसने अपनी जान दे दी। तुम अपने आप को बेसहारा मत समझना बहन। जिंदगी में अगर कोई मुसीबत आई तो तुम्हारा ये भाई जिंदा है। सर, तुम दोनों जीप में जाओ। जीप में? हाँ, कहा ना जीप में जाओ। ओके सर, आओ। सुनो। जी साहब। कुछ भी हो जाए ये दरवाजा नहीं खुलेगा। नहीं खुलेगा साहब। और तुमने ना कुछ देखा है और ना कुछ सुना है, समझ गए? जी साहब। लगे एक्सरे। बाहर 2 इंस्पेक्टर और 4 हवलदार वायरलेस की गाड़ी में बैठे हुए हैं। अगर मैं 15 मिनट के अंदर बाहर नहीं आया तो समझ गए ना? देख लिए अपने भाई रंजीत की हड्डियों के एक्सरे? हड्डियों के कितने टुकड़े हुए हैं वो तो गिन लिए होंगे, लेकिन हड्डियां क्यों टूटेगी? क्या रंजीत चाचा किसी मुजरी वाले के कोटे से गिर पड़े? चुप कर डोडो। ये तो शुरुआत है। आज रंजीत का नंबर आया था, कल तुम्हारा नंबर आएगा। मैं क्यों? मैं तो शरीफ आदमी हूँ। अगर हड्डी तोड़ना है तो मेरे डैडी की तोड़ना, असली विलन तो वही है। सॉरी डैडी। इनकी हड्डियां तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनके गले में तो फांसी का फंदा आएगा। फांसी का फंदा तो क्या, धागे का टुकड़ा तक नहीं मिलेगा मेरे गले का फंदा बनाने के लिए। तुम्हारी जिंदगी का टेक ऑफ हो जाएगा, धुएं की तरह उड़ जाओगे, धुएं की तरह। क्योंकि पायलट बाबा की फ्लाइट को कभी ब्रेक नहीं लगती। यही समझाने आया हूं तुम्हें। बहुत उड़ चुके हो तुम, अब तुम्हारी जिंदगी के प्लेन का क्रैश होने का वक्त आ गया है। इस हिंदुस्तान में वक्त उसका है ऑफिसर जिसके पास दौलत है। जिंदगी से लेकर मौत तक सब कुछ खरीदा जा सकता है। जानता हूं तुम पुलिस खरीद सकते हो कुछ हद तक। मालूम है यहां नेता बिकाऊ है, हुकूमत की मशीनरी बिकाऊ है कुछ हद तक। तुम कानून और इंसाफ तक को खरीद सकते हो कुछ हद तक, लेकिन याद रखना वो हद मुझ पर आकर खत्म हो जाती है। तुम सब कुछ खरीद सकते हो, लेकिन एक सच्चे ईमानदार पुलिस ऑफिसर की ईमानदारी नहीं खरीद सकते। आज की दुनिया में ईमानदारी वो खोटा सिक्का है जो बाजार में कहीं नहीं चलता। हिंदुस्तान में मिट्टी से लेकर इंसान तक हर चीज में मिलावट है, इसीलिए मैं हिंदुस्तान का पानी तक नहीं पीता। इंपोर्टेड बियर पीता हूं, इंग्लिश। वाकई अंग्रेजी चीजें बहुत मजबूत होती हैं, मगर जब हिंदुस्तानी हाथों में आ जाती है ना तो चकनाचूर हो जाती है। सोच लो, जब ये हाथ तुम्हारी गर्दन दबोचेंगे तो इंपोर्टेड बेयर की तरह सारी सांसें उड़कर बाहर आ जाएंगी। खाली डब्बा रह जाओगे, खाली डब्बा। अरे ओ दीवान, पायलट बाबा की फ्लाइट में कभी ब्रेक नहीं लगती। हट जा आगे से। दीवान, दीवान, ए, बाहर निकलो, बाहर निकल जाओ। आउट। वो पुलिस वाला मर जाएगा मेरे हाथों। उसने मेरे गुस्से के गैस स्टेशन को माचिस दिखाई है। मेरे छोटे भाई को अरेस्ट करके उसे हवालात में पंपिंग करके उसका हड्डी पसली तोड़ दिया है। क्या कुर्सी पर बैठे बैठे धुआं छोड़ रहे हो? अरे तुम्हें कैंसर हो जाएगा, कैंसर। अरे कुछ बोलते क्यों नहीं हो तुम? मैं वकील हूं पायलट बाबा, बोलने की फीस लेता हूं। और वैसे भी आपके सामने ये कानूनी दाव पेच बोलना ठीक वैसे ही है जैसे कोई जोहरिया अपने हीरों की कीमत किसी पंसारी से लगाए। कानून अगर मुझे आता तो मैं तुम्हें वकील नहीं रखता, लाखों रुपए तुम पर खर्च नहीं करता। चलो मेरे साथ फौरन, वरना मैं उसके पुलिस स्टेशन पर बुलडोजर चलाकर उसे रनवे बना दूंगा। बुलडोजर चलाकर पुलिस स्टेशन जमीन में दब सकता है, मगर कानून नहीं। अरे भाई, तुम्हें रंजीत बाहर चाहिए ना? हाँ, आ जाएगा। जरा उसे अदालत में तो आने दो। साइलेंस, साइलेंस। दीवान, योर डिफेंस। Your Honor, मैं अदालत का वक्त जाया नहीं करूंगा, क्योंकि ये केस है ही नहीं। ये तो एक धोखा है जो पुलिस अदालत को दे रही है। इस तरह के हथकंडे पुलिस के लिए कोई नई चीज नहीं है। जब कभी असली मुजरिम इनके हाथों से निकल जाता है तो अदालत और जनता के सामने अपनी इज्जत बरकरार रखने के लिए ये राह चलते हुए किसी इंसान को मुजरिम बनाकर अदालत के सामने पेश कर देते। मेरे क्लाइंट के साथ भी यही हुआ। योर ऑनर, ये झूठ है। मैंने अपनी आंखों से इस रंजीत को इंस्पेक्टर देवधर को ट्रक के नीचे बेरहमी से कुचलते हुए देखा था और मैंने इसे वहीं अरेस्ट किया था। ऐसा है वरुण, क्या आपने रंजीत को वो ट्रक चलाते हुए देखा था? यस। मौका वारदात पर आपने रंजीत को अरेस्ट किया? यस। क्या ये आदमी जो कटघरे में अभी खड़ा है, क्या यही रंजीत है? ऑफ कोर्स यही रंजीत है योर ऑनर। ऐसा है वरुण, जिस आदमी को रंजीत रंजीत कहकर पुकार रहा है वह आदमी रंजीत है ही नहीं। इसका नाम है धनपत चावला। योर ऑनर, जिस दिन इंस्पेक्टर देवधर का कत्ल हुआ उसी दिन सुबह 7:30 बजे मेरे क्लाइंट धनपत चावला का कार एक्सीडेंट हुआ। 8:45 बजे इन्हें हॉस्पिटल भेजा गया। मौका वारदात पर जब इनके हाथ से कातिल निकल गया तो ये हॉस्पिटल गए, इनको बहुत मारा और अपने गिरफ्त में कर लिया। योर ऑनर, ये सरासर झूठ है। सच है ये योर ऑनर, उन सब का सबूत मेरे पास है। आई वॉन्ट टू सी दैट। है धनपत चावला के क्रेडिट कार्ड्स, मोटर ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल सर्टिफिकेट्स, बर्थ सर्टिफिकेट एंड पासपोर्ट। अदालत के सामने पेश किए गए सबूतों से यह साबित होता है कि यह रणजीत नहीं है, यह धनपत चावला है और अदालत इसको बाइज्जत बरी करती है। अब तो तुम्हें पता लग गया होगा कि पायलट बाबा की फ्लाइट में ब्रेक क्यों नहीं लगती। आज तमाम पुलिस फोर्स को पता चल चुका होगा कि खाकी वर्दी अगर कानून का डंडा है तो काला कोट कानून का हाथ है और हमेशा डंडा हाथ की गिरफ्त में होता है, हमेशा। तो एक धोखा है जो पुलिस अदालत को दे रही है। इस तरह के हथकंडे पुलिस के लिए कोई नई चीज नहीं है। योर ऑनर, एसआई वरुण जिस आदमी को रंजीत रंजीत कहकर पुकार रहा है वह आदमी रंजीत है ही नहीं। इसका नाम है धनपत चावला। धनपत चावला, धनपत चावला, धनपत चावला। के खाकी वर्दी अगर कानून का डंडा है तो काला कोट कानून का हाथ है और हमेशा डंडा हाथ की गिरफ्त में होता है। पापा प्लीज, पापा चलो ना प्लीज। पापा बेटे इसको तंग मत करो मुझे। पापा प्लीज, पापा तुम जाओ अपने आप खेलो जाके। नहीं पापा प्लीज। तुम्हें कहा ना अपने आप जाके खेलो। क्या हुआ? नहीं बेटे, नहीं रोते, नहीं रोते बेटे, नहीं। भाभी इसे अंदर ले जाओ। ये क्या हो गया तुम्हें? पहले जब राजू को जरा सी चोट पहुंची थी तो तुम उसे उठाकर अस्पताल ले गए थे, सारे स्टाफ को जमा कर दिया था और आज तुम्हें उसे चोट पहुंचा दी। असली मुजरिमों को पकड़ने की ताकत नहीं है तुम में, इसलिए अपनी कमजोरी का गुस्सा एक बच्चे पर निकालते हो। बड़ी बहादुरी दिखाई तुमने जो उसे धक्का दे दिया। बुजदिल हो तुम, बुजदिल। अगर इतना ही गुस्सा है तो पकड़ लो उनका गला, दो उनको सजा। अपनी हार का बदला अपने घर वालों से क्यों लेते हो? नाकामयाबी ने तुम्हारा दिमाग हिला दिया वरुण। तुम अब चिढ़ने और अपने आप को नोचने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते वरुण। शराब पीने से कुछ नहीं होता, शराब इंसान को नकारा बना देती है, नकारा। मेरे साथ देख, देख इसे। इसका नाम है मुख्तार सिंह। 32 आदमियों को मार चुका है ये। 2 साल तक पंजाब पुलिस के हाथ नहीं लगा ये, और मैंने इसे पकड़ा मुकाबले में। और तू मुझे नकारा समझता है? देख इसे, देख। इसका नाम कश्मीरा है। 4 बच्चों को अगवा किया इसने, 4 छोटे छोटे मासूम बच्चों को। पैसे न मिलने पर गर्दन काट दी उनकी। 3 दिन तक पीछा किया मैंने इसका। 3 दिन तक भूखा प्यासा रहा मैं। गोराई में जाकर दबोचा इसे। और तू मुझे कमजोर कहता है? उसे देख, देख इस हरामजादे को। इसने एक वैश्या के लिए अपनी बीवी बच्चों को जिंदा जला दिया था, जिंदा जला दिया था। और देख ये है शिवा। माहिम से दादर तक हवा भी रुक जाती है जब ये निकलता है। ये अपने आप को शिवजी की तीसरी आंख समझता है। कानून तोड़ने वालों के लिए मैं यमराज से कम नहीं हूं। लेकिन मेरी झुंझलाहट यह है कि मैं अपनी जान पर खेलकर इन मुजरिमों को पकड़ कर लाता हूं और अदालत में काले कोट वाले इन्हें बेकसूर साबित करके छुड़ा लेते हैं। हमारा कानून इतना ताकतवर होके इतना नापुंसक क्यों है? क्यों नहीं फांसी लगाते मुख्तार सिंह को? क्यों कश्मीर को सारे बाजार सारी दुनिया के सामने गोली नहीं मार सकते हम? क्यों जिंदा नहीं जलाते हम इसे? क्यों कानून मान लेता है कि इसके बीवी बच्चे एक स्टोव के फट जाने से जल गए थे? क्यों जमानत पे छूट जाएगा ये शिवा जो सारे इलाके के लिए एक दहशत बन गया है? कब ये कानूनी दांव पेच का जाल खत्म होगा? कब इस देश से जुल्म खत्म होगा? कभी सोचा है तुमने? सोचा है तुमने? सोच लिया दोस्त, आज सोच लिया। अंजू, क्यों सता रही हो? पढ़ने दो ना। अरे अचानक ये किताबों की बीमारी तुम्हें कब से हो गई है? टेलीफोन पे तो मिलते नहीं, कॉलेज में जब मिलते हो तो सीधे मुंह बात तक नहीं करते, और लाइब्रेरी को तो आजकल तुमने अपना दूसरा घर बना लिया है। आखिर इरादा क्या है मिस्टर? ओ आई सी, ये सब डैडी को इम्प्रेस करने के लिए है ना? डैडी से मेरा हाथ मांगने के लिए तुम उनसे भी बड़ा वकील बनने का सपना देख रहे हो। सपना तो वो देखता है जिसे अपनी कामयाबी पर यकीन नहीं होता, लेकिन मुझे तो मालूम है अंजू, एक ना एक दिन मेरा और तुम्हारे डैडी का सामना जरूर होगा, और जिस दिन होगा ना, जीत मेरी होगी। सबूत ये 10 लाख रुपए और ये वो नशीली जहरीली दवाएं जो बरामद हुई। योर ऑनर, मुलजिम रंजीत अपने जुर्म से इसलिए इनकार नहीं कर सकता क्योंकि उस वक्त ये खुद वहां मौजूद था। योर ऑनर, मुलजिम सिर्फ ड्रग का नहीं बल्कि मौत का व्यापारी है। ये कानून का ही नहीं बल्कि देश का दुश्मन है, समाज का दुश्मन है। दैट्स ऑल योर ऑनर। Excuse me, Your Honor, मेरे ख्याल से हम अपना और इस अदालत का कीमती वक्त जाया कर रहे हैं। क्या मतलब है आपका? मतलब यह है Your Honor कि अभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने चिल्ला चिल्ला कर मिस्टर रंजीत के ऊपर जो भी इल्जाम लगाए हैं वो सब सच है। उन्होंने कहा कि मिस्टर रंजीत एक ड्रग डीलर हैं, ये भी सच है। इन्होंने ये भी कहा कि उस गोदाम से जहां से मिस्टर रंजीत पकड़े गए वहां 10 लाख रुपए अनअकाउंटेड पैसे बरामद हुए, ये भी सच है योर ऑनर। अब मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर से ये पूछना चाहूंगा कि वो शख्स जिसका नाम रंजीत है वो है कौन, और इस वक्त अदालत में वो आदमी है कहाँ? वो जो कटघरे में खड़ा वही तो रंजीत है। This is exasperating, Your Honor. कुछ ही दिन पहले इसी अदालत में मैंने ये साबित कर दिया था पूरे सबूत के साथ कि इस शख्स का नाम रंजीत नहीं धनपत चावला है। धनपत चावला। Your Honor, मुझे लगता है कि इंस्पेक्टर वरुण को मेरे क्लाइंट के साथ या तो जाती दुश्मनी है या इनको इनका नाम बिल्कुल पसंद नहीं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण ये मेरे क्लाइंट का नाम बदलकर रंजीत करना चाहते हैं। क्या इस भरी अदालत में कोई ऐसा शख्स है जो मुझे यह बता दे कि इंस्पेक्टर वरुण मेरे क्लाइंट का नाम बदलकर रंजीत क्यों रखना चाहते हैं? जज साहब, सुनिए मेरी बात सुनिए। जज साहब, प्लीज जज साहब, आप इनसे कहिए कि अदालत के दरवाजे अंदर से बंद कर दे, वरना एक बहुत ही बड़ा खूनी जो इस वक्त इस अदालत में मौजूद है फिर से भाग जाएगा। ये क्या बदतमीजी है? कौन है आप? मेरा नाम सूरज है जज साहब, और मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूँ। कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? इस खूनी की जज साहब, इस खूनी की, ये आसाम जेल से भागा हुआ खूनी है। इसने 20-20 खून किए हैं। इसके सर पर 10 लाख का इनाम है, वो आप मुझे दिलवा दीजिए सर। ये अदालत की तोहीन कर रहा है। कौन है वो खूनी? ये धनपत चावला। इसे फांसी की सजा हो चुकी है सर। पुलिस से कहिए इसे अरेस्ट कर ले। ये क्या बदतमीजी है योर ऑनर? इसके पास क्या सबूत है कि धनपत चावला एक खूनी है और जेल से भागा हुआ है? सबूत ये है मिलॉर्ड, अखबार में छपी हुई इसकी ये तस्वीर, ये भी है और ये भी है मिलॉर्ड। जज साहब, आप साथ दे तो सच और झूठ 2 मिनट में सामने आ जाएगा। मेहरबानी करके आप एक नजर फोटो को देखिए और दूसरी नजर कटघरे में खड़े आदमी को। 2 मिनट ऐसा कीजिए सर, प्लीज। थैंक यू। वाकई ये तस्वीरें। नहीं साहब, मैं धनपत चावला नहीं हूँ साहब, मैं रंजीत हूँ साहब, मैं रंजीत हूँ साहब। तुम्हें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। अब चुप रहो साहब, इनके ये वकील के कहने पे ही मैं धनपत चावला बना हूं साहब। मन करो अपनी जुबान मत बोलो साहब। मेरा आप यकीन करिए साहब, मैं झूठ नहीं बोलता हूं साहब, मैं सच्ची में रंजीत हूं साहब। रंजीत हूं साहब, मैं रंजीत हूं साहब। अरेस्ट दिस मैन। बेवकूफ और अक्लमंद इंसान में सिर्फ एक ही फर्क होता है। बेवकूफ इंसान बिना सोचे समझे अपनी जुबान खोल देता है। स्टूपिड इडियट। वाह, तू कब से इतना अक्लमंद हो गया रे। क्या चाल चली तूने। ये तुम्हारी पहली जीत है ना। ऑल थैंक्स यू। हो जाए पार्टी? पार्टी? ठीक है, मैं तुझे आज किसी 5 स्टार होटल में ले जाकर एक कप चाय पिलाता हूँ। चाय? अरे यार, आज के दिन तुम थोड़ी सी विस्की। किसने बोला विस्की है रिस्की? अरे आम तो पिएगा पी पी के जिएगा साला, अपना यही काम है। चोरी नहीं की, डाका नहीं डाला, नाम क्यों बदनाम है? ये ऑन टाक नो टाक। जो कुछ लड़कियां दिल की खुली खिड़कियां, इनमें मगर वो नहीं जो है मेरी जान जान। सोमरस का ले मजा, बन जा तू भी देवता, ऐश कर ले आज तू कल की सोचता है क्या। विस्की 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 विस्की, किसने बोला विस्की है रिस्की। विस्की 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 विस्की, किसने बोला विस्की है रिस्की। अरे इसलिए तो विस्की को अपन का सलाम है। अरे आम तो पिएगा साला, पी के जिएगा साला, अपना यही काम है। हाय चोरी नहीं की रे बाबा, डाका नहीं डाला, फिर क्यों हम बदनाम है। कब से था मैं बेसहारा, फिरता था मैं मारा मारा, मुझको मिला एक भाई, जीवन में भाभी आई। बन गई ये जिंदगी, छा गई है बेखुदी, फिक्र की न बात है, सर पे उनका हाथ है। हम तो पिएगा साला, पी के जिएगा साला, अपना यही काम है। आए चोरी नहीं की रे बाबा, डाका नहीं डाला, फिर क्यों हम बदनाम है। ग्योंटा, नॉट। अरे जल्दी निकालो भाई इसे, आखिरी दमों पर है बेचारा। चलो चलो चलो, जरा संभाल के चलो चलो। अरे सुन भाई सुन, यह हालत हुई है इसकी, पी पी के रम और विस्की, लीवर भी हो गया इसकी। ये उसकी है ना इसकी, बड़ों बड़ों की जान है खिसकी। ओ पीने वाले सुन, तेरी जान की दुश्मन विस्की, अगर तू साथ ना इसका छोड़ेगा, यमराज से नाता जोड़ेगा। अपना भला बुरा पहचान बेटा, हम बड़ों की बात को मान। क्या ये विस्की बहुत है रिस्की, ये विस्की बहुत है रिस्की, बड़ों बड़ों की जान है खिसकी। कुछ समझ में आया लल्लू? ठीक बोला भाई, ठीक बोला भाई। बात समझने की कोशिश करो भाभी, कुछ महीने रुकना पड़ेगा। क्यों रुकना पड़ेगा? गर्म है, बहुत गर्म है, बात बहुत गर्म है भाभी। लड़की का बाप मानेगा नहीं तो तुम मत जाना, हम जाएंगे बात करने। अब मैं देखती हूँ वो कैसे नहीं मानेगा। भाभी वो एकदम गर्म खोपड़ी है। तो मेरा वो भी पुलिस वाला है। गर्म खोपड़ी ठंडी और ठंडी खोपड़ी गर्म करने में टाइम नहीं लगाता। तुम उसका नाम तो बताओ। भाभी वो सारे पुलिस वालों को अपनी जेब में रखता है। सूरज, तुम उसका नाम तो बताओ, कौन है वो तीस माखा? बताऊं? उसका नाम है दीवान विश्वराज। दीवान? मेरी इजाजत के बगैर एक मामूली सब इंस्पेक्टर को मेरा रिश्तेदार बनाकर मेरे घर में लाने की हिम्मत कैसे की तुमने? मैं आपकी बहन हूँ। नहीं, दीवान विश्वराज की बहन इतना घटिया नहीं सोच सकती। अगर उसके पांव फिसलेंगे तो सिर्फ संगमरमर की फर्श पर कोई घटिया, सब स्टैंडर्ड और गंदे रास्ते पर कभी नहीं। आपको मेरे पति का अपमान करने का कोई हक नहीं है। और तुमने मेरे खानदान, मेरे स्टेटस और मेरे पोजीशन का अपमान किया, उसका क्या? किसी की पोजीशन सदा एक सी नहीं रहती। हो सकता है आज का सब इंस्पेक्टर कल कमिश्नर बन जाए, और आज का नामी वकील कल गुमनाम हो जाए। बदतमीज! मिस्टर दीवान, इस वक्त स्नेहा आपकी बहन नहीं, मेरी धर्मपत्नी है, मेरी इज्जत है, और मुझे भी अपनी इज्जत उतनी प्यारी है जितनी आपको। तोड़ कर रख दूंगा वो हाथ जो मेरी इज्जत पर उठेगा। एक बात मेरी भी सुनती जाओ स्नेहा, आज के बाद मेरे घर की चौखट पे कभी कदम नहीं रखना। क्या सोच रही हो? भाई दीवान, दीवान दीवान कभी नहीं मानेगा। मगर मैं जाऊंगी वहां। तुम जाओगी वहां? तुम? सूरज के लिए तो जाना ही पड़ेगा ना। एक बात मेरी भी सुनती जाओ स्नेहा, आज के बाद मेरे घर की चौखट पे कभी कदम नहीं रखना। आपसे अंजलि की खुशी मांगने आई हूं। जब से तुमने मेरी खुशियों को ठुकराया है, मैंने खुशियां बांटना बंद कर दिया है। अंजलि एक लड़के से प्यार करती है, मैं उसकी शादी। Enough! तुम अच्छी तरह जानती हो मेरी मर्जी के बगैर इस घर में कुछ नहीं होता। मेरी बेटी की भी शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगा। आपकी इसी जिद, इसी घमंड ने 7 साल पहले बहन से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दिया था, और आज आपकी वही जिद आपसे आपकी बेटी दूर कर देगी हमेशा के लिए। जिद के आगे ना कभी मोहब्बत झुकी है ना झुकेगी। तो तुम अंजलि को शादी दे रही हो? जी नहीं, अंजलि सूरज से बहुत प्यार करती है, आप खुद ही उससे पूछ लीजिए। दीवान विश्वराज जो पूछता है अदालत में पूछता है, घर में वो सिर्फ फैसला सुनाता है। मेरा फैसला सुन लो, मेरी बेटी की शादी किसी मामूली इंसान के साथ नहीं हो सकती। मैं पूछ सकता हूँ वो कौन सी गरज है जो इतने बड़े दौलतमंद और नामी वकील को मुझ गरीब के दरवाजे तक ले आई? मेरी गर्ज के पीछे बाप का फर्ज है, लेकिन तुम गरीबों के मर्ज का एक ही इलाज है, वो है दौलत। बोलो कितनी चाहिए? मुझे मालूम नहीं था कि आप दानवीर करण के खानदान से हैं। करण के नहीं, रावण के खानदान से हूं, जिसके 10 दिमाग हुआ करते थे। फिलहाल मैं तुम्हें दान देने नहीं, कीमत देने आया हूं उस फूल की जिसे गलती से मेरी बेटी मोहब्बत समझ बैठी है। ठीक है, क्या कीमत लगाई है मेरी मोहब्बत की? रकम अपने हाथों से भर लो। आपको यकीन है चेक कैश हो जाएगा? तुमने अपने पांव से उतनी धूल नहीं उड़ाई होगी जितनी दौलत हम अपने हाथों से उड़ा चुके हैं बच्चे। इस बेवकूफाना मोहब्बत का सिर्फ एक ही इलाज है, अंजलि की शादी, और वो भी जल्द से जल्द। अरे यार, इतनी देर की खामोशी के बाद सोचा भी तो ये। मैं बहुत परेशान हूं पायलट बाबा, डरता हूं कहीं ये लड़की हिमाकत ना कर बैठे। तुम्हारी नजर में कोई लड़का है ना? कौन? वो जो पीछे बैठा है। गिर गया। ओ भाई, यहाँ पायलट बाबा की फ्लाइट में ब्रेक लग गई। दीवान, हमें ये रिश्ता मंजूर है। थैंक यू पायलट बाबा। अंजलि, मैं तुम्हारी शादी अपने दोस्त के बेटे के साथ कर रहा हूं। डैडी, सूरज मैकेनिक जरूर है, लेकिन घास जमीन में उगती है, आसमान में नहीं। रेत की गोद में कभी फूल नहीं खिलते। कम ऑन डैडी। पायलट बाबा, आओ दीवान आओ। मेरे बेटे से मिलिए। हेलो, ये है मेरा बेटा। डूडो, डूडो नाम है मेरा। आपका क्या नाम है? अंजलि। अच्छा है ना? अरे भाई दीवान, हम उम्र की दोस्ती अच्छी होती है। इन्हें अकेला छोड़ दे। जाओ भाई, जाओ गार्डन में जाओ। जाओ बेटी, आओ। आइए ना। मैं क्या बोल रहा था, शादी के बाद हनीमून के लिए अलीबाग जाएंगे। अलीबाग में नारियल के पेड़ इतने। आप तो रो रही है। लड़की तो विदाई के वक्त रोती है। अपनी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई और होगी भी नहीं। नहीं होगी? अगर होगी तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। हत्या? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और शादी करूंगी तो सिर्फ उससे। प्यार करती हो? अच्छा करती हो। शादी भी उसी से करना। पर मेरे डैडी होने नहीं देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? जरूर होने देंगे। वो अपना संबंध जोड़ना चाहते हैं ना? ठीक है, मैं जोड़ता हूँ अपना संबंध। हाँ, वो दुपट्टा दे इधर। क्या? दे ना। ये लो, बांध दो मेरे हाथ में। ओके। रोना नहीं, आंसू पोंछो। मेरी बहना अब कभी नहीं रोएगी। देखो दीवान, थोड़ी ही देर में दोनों एक दूसरे के साथ कितने घुल मिल गए हैं। हाँ पायलट बाबा, बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेड फॉर ईच अदर। हाँ, मेड फॉर ईच अदर, लेकिन ब्रदर एंड सिस्टर। ब्रदर एंड सिस्टर? ये क्या बकवास है? ये क्या बकवास है? ये क्या बदतमीजी है पायलट बाबा? ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं डैडी, ये तो सबसे बड़ी तमीज है। ये देखो। ये क्या है? ये राखी है, मेरी बहना ने मुझे बांधी। चलो। बहना, दीवान, बहना, बहना। डो डो। जिस तरह मिठास गुड़ का स्वभाव है और करवाहट नीम का, उसी तरह इंसान की खुददारी उसके बड़प्पन का स्वभाव है। तुम्हारे और मेरे बीच में जो झड़प हुई, चाहे वो गराज में हो या कोर्ट रूम में, मुझे एक चीज का यकीन जरूर दिला दिया है कि मेरी बेटी ने अपना प्यार चुनने में कोई गलती नहीं की। प्लीज सिट डाउन मिस्टर सूरज। शुक्रिया। आइस फॉर यू। जी, मुझे पीना नहीं। भाई, तुमने सुना होगा कि लोग अक्सर कहते हैं कि दोस्ती और मोहब्बत में तुम जहर भी पिला दोगे तो पी लेंगे। सुना है? जी। यकीनन इसमें जहर नहीं है, और अगर इसमें जहर है भी तो मैं भी तो तुम्हारे साथ साथ पी रहा हूं। चीयर्स। Cheers. सुनिए, ये आपका गैरेज है? मुझे बहुत दूर जाना है और मेरी कार खराब हो गई है। आप इसे देख लेंगे प्लीज? मेरी मदद करेंगे प्लीज? ये आप क्या करिए मिन्सा, क्या करिए तुम? ये कैसा मजाक है? जाओ यहाँ से, ऐसे कहो, चली जाओ यहाँ से। बोलिए वरुण। भैया, भैया मुझे बचा लो भैया। वरुण मेरा भरोसा करो वरुण, वरुण ट्रस्ट मी। जो औरत कह रही है वो झूठ है वरुण। गाड़ी बनाने के बहाने वो मेरे पास आई। ट्रस्ट मी वरुण। वरुण ये इसकी चाल है, ये मुझ पर बार बार झपटती रही और मैं उसे दूर करता रहा वरुण। वरुण ट्रस्ट मी, ये औरत बदचलन है वरुण। आखिर वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। कितनी बार तुम्हें कह चुका हूं कि ये आदतें छोड़ दो, और आज तुमने शराब भी पी रखी है। हाँ वरुण मैंने शराब पी है, मगर तुमने शराब पीकर आज वो हरकत की है जो तुम्हें कभी नहीं करनी चाहिए थी। और मेरे लिए क्राइम इज अ क्राइम। आई एम नॉट अ क्रिमिनल वरुण, आई एम नॉट अ क्रिमिनल। तुझे मुझ पर यकीन नहीं है, कर ले गिरफ्तार, दिलवा दे 7 साल की सजा। अगर चाहूं तो अपने आप को अदालत में बेगुनाह साबित कर सकता हूं, लेकिन जब तुझे ही दोस्ती पे भरोसा नहीं रहा तो 7 साल की सजा काट लूंगा दोस्त, काट लूंगा। हिंदुस्तानी औरत सिर्फ निशाना बनना जानती है, निशाना लगाना नहीं। निशाना बनते बनते कहीं मेरा नामो निशान न मिट जाए आपके दिल से। पायलट बाबा की फ्लाइट में ब्रेक नहीं लगती। जो इसमें एक बार बैठ गया बस बैठ गया। देखो जी निशाना ऐसे लगता है, देखो। फैंटास्टिक। तुम्हारी जगह कोई अंग्रेज औरत होती ना तो तानिया बजाने की जगह जानती हो क्या करती? क्या करती? सबके सामने कोई नहीं देखेगा, इसीलिए उन सबको काले चश्मे दे रखे हैं। वो वही देख सकते हैं जो पायलट बाबा उन्हें दिखाना चाहता है, बस। अरे हाँ, ऐसी बात है मंत्री जी कि जब मैं बिल्कुल छोटा सा था तो मेरा बाप हवाई जहाजों के नट बोल्ट टाइट किया करता था। हम लोग एयरपोर्ट के पीछे एक छोटी सी झोपड़पट्टी में रहते थे। छुट्टी वाले दिन मेरा बाप मुझे गोद में बिठाकर हाथ में पौवा पकड़कर आसमान की तरफ देखा करता था और कहता था, बेटा मैं तुझे किस लाइन में डालूं, तुझे क्या बनाऊं? फिर उसने खुद ही फैसला किया और मुझे बताया कि मैं तुझे पायलट बनाऊंगा। अब अपने पिताजी की बात रखने के लिए मैंने वो पोशाक और नाम अपना लिया और हवाई जहाज तो कभी उड़ाया नहीं, आदमी उड़ाता हूं। भगवान आपके पिताजी की आत्मा को शांति दे। नहीं पोपट, कोई वकील नहीं चाहिए। अपने आप को अगर बेगुनाह साबित करना था तो खुद ही कर लेता। दादा तुम्हारे को उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। सजा तो मुझे उसी वक्त हो गई थी जब मेरे दोस्त ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। अगर वरुण समझता है कि मैं कसूरवार हूं तो मैं कसूरवार हूं, पे गलत सिर्फ अंजलि की है, कहीं वो मुझे गलत ना समझे। हेलो अंजलि दीदी, हम मुन्ना बोल रहा हूँ। हम अभी अभी सूरज भैया से जेल में मिल के आ रहा हूँ। सूरज, वो तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? अंजलि दीदी, सूरज भैया बिल्कुल बेकसूर है, आप हमारा विश्वास कीजिए। दीदी, सूरज भैया को जेल जाने का बिल्कुल फिक्र नहीं जी, उसको फिक्र है कि आप उसको गलत ना समझे जी। सूरज भैया सिर्फ तुम्हें प्यार करे छे, हूं खोटा नहीं बोलता बे, तुम्हें प्यार करे छे सिर्फ जाने जा तेरा मेरे हाथों में हाथ है, उतरी हुई दिलों में खुशी की बारात है। तेरी मुलाकात का मुझे नामुमकिन को मुमकिन बनाने का सोचना भी बेवकूफी है। अंजलि, अपने दिल को समझा लो, ये सूरज तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर जा चुका है। छोड़ो ना नॉटी डोडो। डोडो बेटा आ गए। डोडो डोडो, भालू की आवाज कहां से आ गई? डोडो मर गई। डैडी, इनसे मिलिए, शी इज माय फ्रेंड, इंटरनेशनल स्टार। इंटरनेशनल स्टार? यस। क्या नाम है इसका? श्रीदेवी। टडन टडन। श्रीदेवी तो सुना था, लेकिन फ्री देवी क्या? डैडी, इनका दिल बहुत बड़ा है। हाँ, किसी चीज को ना नहीं बोलती, हर काम फ्री करती है। फ्री में? हाँ, वैसा भूखा नंगा शो नहीं, ग्रेट शो। $500 का टिकट था, फिर भी मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार है। तू शादी करेगा? हाँ। इससे? हाँ, ये आपकी होने वाली बहू है। डोडो। डैडी इधर आओ। आ गया। फादर इन लॉ आशीर्वाद देने के लिए बुला रहे। चल। डोडो, you. I know, I get out, she get out, we get out. चल, मुझे शो के लिए छोड़ के आता हूँ। चल। फ्री देवी, उल्लू का पट्टा। बोलो इंस्पेक्टर, कुछ खबर मिली? हाँ पायलट बाबा, सारा इंतजाम हो चुका है। कल सभी कैदियों की पत्थर तोड़ने की ड्यूटी लगी है। हम वहीं से रंजीत भाई को उड़ा लाएंगे। अरे रोको रोको, गाड़ी को रोको। प्राइवेट गाड़ी को अंदर जाने की परमिशन नहीं है। इनके लिए खास परमिशन है मेरे पास, लीजिए। मोरे, जाने दो। जाइए जाइए। रुक जाओ, नीचे बैठो तुम लोग। बाबा, मेरे भाई रंजीत, तू ठीक तो है ना? बहुत दिनों की प्यासी बाबा, जेल में तो ये सब नहीं मिलता। जो जी में आए करो रंजीत, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी का नया टेक ऑफ है और इस टेक ऑफ में कोई रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि पायलट बाबा की फ्लाइट में कभी ब्रेक नहीं लगती। सचदेवा साहब, वेलकम टू अवर गोडाउन्स। आइए आइए। ए, शटर बंद करो। देखिए, ये सारी चावल की बोरियां आपके लिए लोड हो जाएंगी। दी प्योर वाइट बासमती राइस, दी बेस्ट चावल इन द वर्ल्ड। वो तो ठीक है पायलट बाबा, लेकिन ये सब परिबासमती राइस ही है ना, कोई खोट तो नहीं? अरे बस क्या, पायलट बाबा अपने बंदे में खोट बर्दाश्त नहीं करता तो धंधे में खोट कैसे बर्दाश्त करेगा? 2 दिन के बाद ये सब शिपमेंट हो जाएगा आपके लिए। आइए मैं आपको दिखा देती हूँ। बाबा ये चावल का धंधा कब से शुरू कर दिया? अरे ना समझ, चावल की 1000 बोरियों के साथ अगर अपने माल की 1 बोरी भी चली गई तो हम मालामाल हो जाएंगे। लोग तो पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हैं, लेकिन हम पुलिस की आंखों में चावल झोंकेंगे। सही बाबा। ये देखिए। क्यों सचदेवा साहब, अब तो विस्की पिएंगे ना आप? शराब तो हम पीते नहीं हैं, लेकिन आपके बासमती चावल की बिरयानी जरूर खाएंगे। जरूर, आइए। भूख लगे तो चांद भी एक रोटी नजर आती है। आगे है जमाना पर भूख पीछे पीछे, सारी दुनिया की बातें 2 रोटी के नीचे। अरे चमड़े की झोपड़िया में आग लगी है भैया, बरखा ना बुझाए बस बुझाए रुपया, और फिर भी भरे ना पेट तो याद आती है यारो परी राइस प्लेट। जी हाँ। चांदनी रात है, तारों सा बिखर जाने दे, अपनी आगोश में ले ले, मुझे मर जाने दे। तुम यहां कैसे आई? तुम्हारे कानून को एक बेगुनाह आदमी को मुजरिम कहलाकर सजा देने का कोई हक नहीं है। इसकी बात कर रही हो? सूरज ही? सूरज के स्नेह ने तुम्हें बौखला दिया। एक मासूम और इज्जतदार औरत का बलात्कार करने वाला। मासूम और इज्जतदार? देवधर की बीवी और कौन? मासूम और इज्जतदार बीवियों को उनके पति तलाक नहीं दिया करते। तलाक? हाँ, तलाक। और ये रही डाइवर्स पेपर की जेरोक्स कॉपियां जो मैंने कोर्ट से हासिल की हैं। तलाक की वजह बदचलनी, गैर मर्दों के साथ उसका संबंध। पढ़ लो। गई थी? मैं मंदिर गई थी। मंदिर? बता कौन से क्लब में गई थी? या किसी बार में? या किसी पराये मर्द के साथ? बोल। मैं पतिव्रता थी, पतिव्रता हूं। तो ये है तुम्हारा पतिव्रता धर्म। पतिव्रता औरतें अपने पति की तस्वीरों की पूजा करती हैं। कचरे के डब्बे में नहीं फेंकते उसे। बोल, किसके कहने पर तूने सूरज पर इल्जाम लगाया? सूरज ने मेरे साथ जबरदस्ती। झूठ मत बोल। पता, वरना मैं तेरे चेहरे को इतना घिनौना बना दूंगा कि तुझे अपने आप से डर लगने लगेगा। पता? मैं बताती हूँ, बताती हूँ, मैं बताती हूँ। चलो। One, two, three, four, five, six, seven, eight. कुछ नहीं होगा तुम्हें। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो आदमी। वरुण सक्सेना, तुमने अपने फर्ज को बहुत ही गैर जिम्मेदारी से निभाया है। बच्चों से भरे स्कूल में गोलियां कोई पागल इंसान ही चला सकता है। इस जुर्म के तहत तुम्हें हमेशा के लिए सस्पेंड किया जाता है और अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि वरुण सक्सेना को रिमांड में लें। जब तक इस केस की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक नो बेल शैल बी ग्रांटेड। तुम इतने दिनों बाद अपने भाई की याद कैसे आई तुम्हें? आप तो जानते हैं भैया कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इसमें उनका कोई कसूर नहीं है भैया, ये वरुण के किसी दुश्मन की चाल है। नहीं, उसका सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद है। मौका वारदात पर जिस तरह वो पकड़ा गया है, दुनिया का कोई भी वकील उसे नहीं बचा सकता। भैया आप चाहें तो उन्हें बचा सकते हैं। प्लीज भैया उन्हें बचा लीजिए। तुम मेरी बहन हो और मुझसे मदद मांगने आई हो। मैं तुम्हें खाली हाथ लौटने नहीं दूंगा। इस ब्रीफ केस में कुछ 2-2.5 लाख रुपए हैं, उठा लो और कोई दूसरा वकील कर लो। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। मुझे तुम्हारे पति से पूरी हमदर्दी है। ये आपकी हमदर्दी नहीं, आपका अहंकार है और इस अहंकार ने आपको पत्थर बना दिया है। पत्थर तो तुम्हारा पति है जिसने छोटे छोटे मासूम बच्चों पर गोली चलाई। खूनी है वो। खूनी वरुण नहीं, आपकी वकालत है। और एक बात मत भूलिएगा, आपकी वकालत के ऊपर भी एक अदालत है और उस अदालत में बेकसूरों को सजा नहीं दी जाती। मेरा वरुण बेकसूर है। सूरज, अरे कैसा है तू रे? सूरज, सूरज मेरी बात तो सुन। सूरज, पैसा निकाल। पैसे मैं नहीं दूंगा, पैसे मैं नहीं दूंगा। कैसे नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? पैसे के बदले गोली देगा। मैं गोली नहीं पीता हूं। मैं सिगरेट तक नहीं पीता हूं। तुम कुछ भी कर लो, मैं पैसे नहीं दूंगा। जबान लड़ाता है। छोड़ दो इसे। क्या तुम जानते नहीं, नशा करना जेल के बाहर ही नहीं, जेल के अंदर भी जुर्म है। यहाँ कोई चरस नहीं पिएगा, समझ गए? तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? अबे ओ, यहाँ तुम वर्दी में नहीं हो, तुम भी हमारी तरह एक कैदी हो। यहाँ तुम्हारा कानून वानून नहीं चलेगा भाई। कानून की इज्जत करने के लिए सरकारी वर्दी की नहीं, निष्ठा की जरूरत होती है। मेरी वर्दी मेरा ये जिस्म है और जब तक इस जिस्म में सांसों का सिलसिला बरकरार है, कानून की इज्जत बरकरार रहेगी। जेल के बाहर भी और जेल के अंदर भी, ये कभी मत भूलना। क्या हुआ वरुण? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। क्या बोलता बेड़ू? खींच दे उसकी अक्कड़ को उसके तड़ियों के साथ उसके जिस्म से बाहर। कहो तो साले का राम नाम सत्य कर दें, पहला मौका मिलते ही। जिसने मेरी जान बचाई है। रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम लोग? Stop it! तुझे ज्यादा तो नहीं लगी ना? सूरज, अरे मेरी बात तो सुन। सूरज, 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 इतनी नफरत है मुझसे, तो मुझे बचाया क्यों? मर जाने दिया होता मुझे। मेरे लिए तुम उसी दिन मर गए थे जिस दिन तुमने मेरी दोस्ती, मेरे विश्वास को ठुकरा कर एक बसात औरत की बात मान ली थी। सूरज, वो ये मत समझना कि मैंने अपने दोस्त की जान बचाई है। मैंने अपनी भाभी को विधवा होने से बचाया है। राजू को यतीम होते नहीं देख सकता मैं। आपका सर्विस रिकॉर्ड जानता हूं वरुण। यह मेरी तरफ से कानून के एक सच्चे और ईमानदार सिपाही को छोटा सा सलाम। जाओ अपनी धर्मपत्नी से मिलो वरुण। राजू कैसा है? रोज तुम्हारे बारे में पूछता है, जवाब नहीं देती तो रोना शुरू कर देता है। और तुम कैसी हो? कैसी हो सकती हो? नहीं, 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 रो मत, रो मत। सूरज कैसा है? सूरज मेरे इतने पास होकर भी मुझसे कितना दूर हो गया है। वो मुझसे इतनी नफरत करता है कि तुम सूरज को बताते क्यों नहीं? कैसे बताऊं? और जानती हो, कल उसने मेरी जान भी बचाई। कैसे? क्या हुआ था? पुरानी कानून और जुर्म की लड़ाई। मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो उसने मुझे धुतकार दिया। हमारी दोस्ती का रिश्ता खत्म कर दिया स्नेहा, खत्म कर दिया उसने। सूरज, सूरज, तुमसे कोई मिलने आया है। अच्छा, नमस्ते जी। सूरज, अपनी भाभी से भी नाराज है तू? वरुण से मिलने आई थी। हाँ। सूरज, तुम्हें वरुण के बारे में बहुत बड़ी गलतफहमी है। उसकी बात मत करो। राजू कैसा है? राजू ठीक है। पहले तुम मेरी बात सुन ले। जब वरुण को पता चला कि तुम बेकसूर हो। आखिर पता चला ना? मेरी बातों पर एतबार ही नहीं किया उसने। मुझ पर तो भरोसा ही नहीं किया। सूरज, वो औरत निशा उस पुलिस ऑफिसर की बीवी है जिसने अपनी जान देकर वरुण की जान बचाई थी। अब सोचो, वरुण के दिल में उस औरत के लिए कितनी इज्जत, कितनी हमदर्दी होगी। और जब उसने तुम पर रेप का इल्जाम लगाया तो उसकी क्या हालत हुई होगी। और अगर तुम वरुण की जगह होते तो तुम भी वही करते जो वरुण ने किया। और जब उस औरत की असलियत का पता चला तो वरुण तुम्हें बेकसूर साबित करने के लिए उन लोगों के पीछे पड़ा था। जब स्कूल में गोलियां चली और उसका इल्जाम वरुण पर आया, उसे फंसाया गया। सूरज, वो बहुत निराश हो गया सूरज। उसे अपने जेल जाने का गम नहीं, उसे गम है कि तू उसे गलत समझ रहा है। वो तेरी बेरुखी नहीं सहन कर सकता, वो अपने बचाव की कोशिश भी नहीं करेगा। और जिस दिन वरुण को फांसी होगी उस दिन एक नहीं 3 मौतें होगी। एक तेरे दोस्त की, दूसरी तेरी भाभी की और तीसरी राजू की। और जिस दिन वरुण को फांसी होगी उस दिन एक नहीं 3 मौतें होगी। एक तेरे दोस्त की, दूसरी तेरी भाभी की और तीसरी राजू की। नहीं, नहीं, वरुण को फांसी नहीं होगी, नहीं होगी वरुण को फांसी, क्यों नहीं होगी? इंसाफ की नसों में वो खूनी है, इंसाफ की आंखों में धूल झोंकी गई, अदालत को धोखा दिया गया। ये तुम कहते हो सूरज, कानून नहीं। कानून, कानून एक मोम का पुतला है जिसे जैसे चाहे वैसे मोड़ा जा सकता है, मगर मैं ऐसे नहीं होने दूंगा, नहीं होने। क्या करोगे सूरज, क्या करोगे तुम? मैं वरुण को जेल से भगा दूंगा। बर्फ से उम्मीद करते हो कि वो अपनी ठंडक छोड़ दे, फूल से चाहते हो कि वो अपनी महक छोड़ दे, वरुण और कानून तोड़ दे। नहीं सूरज, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। हाँ। वो जेल से नहीं भागेगा तो मैं जेल से भागूंगा, मैं भागूंगा जेल से। साहब, इंडियन पैनल कोड सेक्शन 376 के मुताबिक एक रेप की सजा 7 साल होती है। अगर वही आदमी दूसरा रेप करे तो दीवान विश्वराज टेलीफोन पर मशवरा नहीं देता। कौन हो तुम? वही मासूम और बेकसूर आदमी जिसे कसूरवार साबित करके आपने 7 साल की सजा दिलवाई थी। सूरज, उस 7 साल की सजा को 14 साल में बदलना चाहता हूँ और एक रेप करने जा रहा हूँ मैं, और इस बार वो झूठा नहीं होगा। जानना चाहोगे वो लड़की कौन है? डैडी प्लीज मुझे बचा लीजिए, सूरज बिल्कुल पागल हो गया, जानवर बन गया है डैडी। सूरज, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। दीवान, अगर तुम इस रेप को रोकना चाहते हो तो वो सारे सबूत पुराने खंडर में ले आओ जो वरुण को बेगुनाह साबित कर सकते हैं, अभी इसी वक्त। सबूत लाए। अंजलि, इसे मार डालिए डैडी, ये बहुत बुरा इंसान है। छोटा आदमी छोटा ही होता है डैडी, अब जानते नहीं उसे कितना मारा मुझे, कितना टॉर्चर किया मुझे डैडी। मैं इसे खुद मार डालूंगी उसे। ये क्या कर रही हो तुम? अरे पागल हो गई तुम। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। मैं आपको कितना नोबल, कितना सच्चा, कानून का एक सही रखवाला समझती थी, मगर आप झूठे हैं, निर्दयी हैं, दुश्मन हैं कानून के। अगर हर कोई वकील आपकी तरह है तो इस देश में वकालत नहीं होनी चाहिए। आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना डैडी? हाँ बेटी। जब मुझे कुछ होता है तो आपको भी दर्द होता है ना? होता है बेटे। बचपन में जब मुझे जरा सी भी चोट आती थी तो आप बहुत परेशान होते थे ना? होता था बेटी, मगर तू ये सब क्यों पूछ रही है? अंजलि, अंजू, गोली मत चलाना बेटी, पिस्तौल मुझे दे दे बेटी। अंजू, अंजू नहीं प्लीज। आगे मत बढ़ना। ये क्या कर रही हो तुम? डैडी, आपको अपनी बेटी और अपने प्रोफेशन के बीच एक को चुनना होगा। अगर आज आपने सूरज का साथ नहीं दिया तो आपकी बेटी आपके सामने अपने आप को गोली मार लेगी। अंजलि, अंजू, अगर मुझे ये पता होता कि तू ये करने वाली है तो मैं तुझे सच्चाई कभी नहीं बताता। सूरज, रोक इसे। बोलो डैडी, आप झूठ का साथ दोगे या सच्चाई का? बोलो डैडी। पिस्तौल मुझे दे दे बेटी, तू जो चाहती है वही होगा बेटी, तेरे सर की कसम। अंजलि, तू ठीक हो जाएगी बेटी, ठीक हो जाएगी। रंजीत, ये पढ़ो तुम जरा, दीवान हमारे दुश्मन से मिल गया है, मुकदमा दोबारा शुरू कर रहा है और वरुण का केस भी खुद लड़ रहा है। बाबा, बाबा ये कैसे हो सकता है बाबा? नहीं होगा ये, हमें फौरन इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ेगी। तुम वरुण के घर जाओ और उसकी कमजोरी पकड़कर दीवान के बंगले पे पहुंचो। मैं दीवान की उड़ान को रोकता हूं। दीवान, दीवान के बच्चे बाहर निकल, कहां है तू? गुड मॉर्निंग पायलट बाबा, मैं यहां हूं। क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो। ये क्या बकवास है? तुम वरुण सक्सेना का केस लड़ोगे? मैं एक वकील हूं पायलट बाबा, जो मुझे पैसा देता है मैं उसका काम करता हूं। तो क्या मैं तुझे पैसे नहीं देता? भूल गया वो दिन जब फटा हुआ काला कोट पहनकर अदालत के बाहर क्लाइंट्स के लिए आवाजें देता था? उस वक्त मैंने तुझे पहला केस दिया था, और वो भी मर्डर का। उस मर्डर केस में तुम्हें फांसी के तख्ते से किसने बचाया था? मैंने। और तुमने दूसरे दिन एक और खून कर दिया। अरे खून नहीं करता तो ड्रग्स की एजेंसी कैसे मिलती मुझे? वहीं से तो चावल की बोरियों में ड्रग्स एक्सपोर्ट करना शुरू किया मैंने। और यह मत भूल कि वो मुकदमा जीतने के बाद ही मैंने तुझे ये बंगला खरीद कर दिया था। और आज तू उसी हरामजादे का केस लड़ने की सोच रहा है जिसे तू एक बार खुद सजा दिलवा चुका है। वो गलती थी, बच्चों पर गोलियां उसने नहीं चलाई थी। अरे गोलियां मैंने चलाई थी, ये तुम जानते हो, और उस वक्त भी जानते थे। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि मेरे दुश्मन के साथ मिल जाने की तुम्हारी वजह क्या है? कौन दुश्मन, किसकी बात कर रहे हो तुम? वरुण सक्सेना। वो मेरा दुश्मन नहीं, मेरी बहन का सुहाग है। ओह, वाह वाह वाह, तो खून की पुकार तुम्हारे कानों में पड़ ही गई। ठीक है, अब जब तुमने रिश्ता तोड़ने का फैसला कर ही लिया है तो डैडी, आपका फैसला तो जनता ने कर दिया। आज तक मैंने आपको कुछ नहीं समझा, लेकिन आप तो अच्छे एक्टर हैं यार। क्या बात है, आप तो इंटरनेशनल एक्टर बन गए हैं। यहाँ कोई सीरियल की शूटिंग चल रही है। शट अप डोडो, क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास नहीं, मेरे पास प्रूफ है। आपके पास टीवी है क्या अंकल? आपके पास टीवी है क्या? है ना, क्यों? देखो मेरे डैडी को, आइए डैडी, क्या दिखते हैं आप। देखो देखो देखो, तो क्या तमाशा बना रखा है तुमने। देखो देखो, छोटे टीवी पे कितने बड़े दिखते हैं। देखो देखो देखो, क्या हैंडसम लग रहे हैं आप। क्या हैंडसम लग रहे हैं आप। दुनिया के हर कोने में, झोपड़पट्टी में, जहाँ जहाँ टीवी है वहाँ वहाँ दिखाई देंगे आप। हाँ सचमुच, सब लोग देखते होंगे। दीवान! डैडी! हम गृह मंत्री बोल रहे हैं। कितनी भारी गलती हो गई हमसे। वरुण सक्सेना जैसे ईमानदार और कर्तव्यपरायण पुलिस ऑफिसर को हमने जेल में डाल दिया। सारा देश हम पे हंस रहा होगा। उसे जल्द से जल्द जेल से रिहा करने का प्रबंध करो। जी सर। तेरे आदमी गोलियां चला चला कर थक गए होंगे। इनसे कह दे अपना बोझ हल्का कर ले। नीचे रख दो। रुक जाओ। सूरज, बाबा की कनपट्टी से पिस्तौल हटा दे, वरना मैं इस बच्चे का भेजा उड़ा दूंगा। उड़ा दूंगा भेजा। पायलट बाबा की फ्लाइट में कभी ब्रेक नहीं लगती। शाबाश रंजीत, अगर किसी ने गोली चलाई तो मेरी गोली बच्चे की खोपड़ी के पार होगी। कोई गोली नहीं चलाएगा। राजू, इस वक्त सारा देश मुझे देख रहा है। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं। इसमें कोई शक की बात नहीं कि हम जैसे वकील छोटे छोटे जुल्म करने वाले लोगों को शह देकर बड़े बड़े मुजरिम बनाते हैं। मैंने वरुण सक्सेना जैसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर को सजा दिलाई। कानून के ऐसे सच्चे सिपाही को एक देशभक्त का मान मिलना चाहिए, मगर मेरी वजह से उसे सजा देनी पड़ी। पुलिस और वकील दोनों कानून का अंग है। जुर्म और करप्शन को अगर देश में से खत्म करना है तो इन दोनों को हाथ में हाथ डालकर चलना होगा। स्टार्ट करो। ओके सर। राजू, 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 ये आदमी ने हमें बहुत मारा। खबरदार, मार डालूंगा। पायलट बाबा की फ्लाइट को कभी ब्रेक नहीं लगती। वो सीधी साथ में आसमान को जाने वाली है। तेरी फ्लाइट को ब्रेक लग चुकी है पायलट बाबा। अब उसकी मंजिल का फैसला तू नहीं, कानून करेगा। और उस कानून के खिलाफ कोई काला कोट तुझे नहीं बचा सकेगा। ले जा उसे। सूरज, क्या तू अब भी मुझसे नाराज है? आज के दिन दुनिया को हमने बता दिया कि तेरा काला कोट और मेरी खाकी वर्दी एक दूसरे की ढाल बन गए हैं। और जब तक ये ढाल बरकरार रहेगी, इस दुनिया में पाप पनप नहीं सकता। तो फिर आज हो जाए क्या? अरे पार्टी, पार्टी ठीक है। आज मैं तुझे 5 स्टार होटल में एक कप चाय पिलाता हूं। आज के दिन और चाय? हाँ? हाँ? विस्की 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 विस्की, किसने बोला विस्की है विस्की? अरे आम तो पिएगा पी पी के जिएगा साला, अपना यही काम है। चोरी नहीं की, डाका नहीं डाला, नाम क्यों बदनाम है? आम तो पिएगा पी पी के जिएगा साला, अपना यही काम है। अरे चोरी नहीं की, डाका नहीं डाला, नाम क्यों बदनाम है? हम भी पिएगा पी पी के जिएगा साला, अपना यही काम है। और तेरे संग जीना, तेरे संग संग मरना, पसंद हमें ये अंजाम है। विस्की 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 विस्की, किसने बोला विस्की है विस्की? अरे विस्की 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 विस्की, किसने बोला विस्की है विस्की?